फ्रेंड्स, दिस इज राजदीप। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर है और मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ। आजकल ये बहुत एक कॉमन सिम्टम हो गया है, डिप्रेशन में लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, खास करके यंग लोग। और मैं क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो लास्ट 6-7 साल से मैं बहुत 18 से 25 साल की उम्र के बीच के जो बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके साथ काफी इंटरेक्ट करता हूँ। और मैं जो देखा हूँ वो लोग काफी टैलेंटेड और क्रिएटिव होते हैं, लेकिन एक ही साथ बहुत जल्दी फेलियर से डिप्रेशन में भी वो लोग आ जाते हैं। डिस्क्लेमर, द वीडियो कंटेंट इज मेड बेस्ड ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ राजदीप चटर्जी। ही डज नॉट होल्ड एनी फॉर्मल एडुकेशन इन साइकोलॉजी एंड काउंसिलिंग। इफ यू फील डिप्रेशन, प्लीज शेयर इट विथ योर पेरेंट्स और ए ट्रस्ट और दी फ्रेंड एंड ऑल्सो कंसल्ट अ साइकोथेरेपिस्ट। डेफिनेशन, तो हमें डेफिनेशन से क्या पता चलता है, हम किसको डिप्रेशन बोलेंगे ना। डिप्रेशन एक तरह का बहुत ही कॉमन और एक तरह का बहुत ही सीरियस मेडिकल बीमारी है, इलनेस टाइप है। और इससे क्या होता है ना, इससे नेगेटिविटी आता है। किस में नेगेटिविटी आता है, सोच में नेगेटिविटी आता है। हम लोग जो सोचते हैं उसमें नेगेटिविटी आ जाएगा। हम लोग जो फील करते हैं से अपने प्रति हो या लोगों के प्रति हो, उसमें नेगेटिविटी आएगा। और हम लोग जो करते हैं वो भी नेगेटिव होता है। तो हम लोग जो फील करते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो सब में नेगेटिविटी आता है। तो यही है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का कुछ सिम्टम्स है, हम लोग क्विकली देख लेते क्या क्या है ना। फर्स्ट सिम्टम, हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा सैड रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे और इरिटेट फील करेंगे। हम लोग जो डिप्रेशन में रहता है वो ज्यादा इंटरटेनमेंट या दोस्तों के साथ बाहर जाना, बातचीत करना, ये सब पसंद नहीं करता है। ये सब उस तरह का एक सिम्टम है। खाने, भूख नहीं लगेगा, तो खाना ऐसे खा रहा है तो काफी दुबला हो गया है, तो लॉस और गेन अनरिलेटेड टू डाइटिंग, जैसा खा रहे उसके हिसाब से वेट मेंटेन नहीं हो रहा है। फोर्थ जो है नींद, आइदर बहुत ज्यादा नींद, फ्रस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा नींद आ रहा है या नींद आ ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, ये सब लेके। फिफ्थ जो है डिफिकल्टी थिंकिंग, तो क्या करेंगे, सोच नहीं पा रहे प्रॉपरली, नेक्स्ट टारगेट को कैसे सेट करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होता है। और डिप्रेशन हालांकि बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ केसेस में, बहुत एक्सेप्शनल केस में डिप्रेशन अगर एक्यूट होगा तो वो डेथ और सुइसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी चला जाता है, तो जो काफी नेगेटिव और खतरनाक है। रीजंस, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस से मैं डिप्रेशन का रीजन को तीन कैटेगरी में, तीन फैक्टर्स में डिवाइड किया हूं। एक है प्रेशर, एक है एम्बिशन और दूसरा, तीसरा है जेलसी। तो जैसे कि प्रेशर है सोशल, तो सोशल में क्या है ना, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, वो लोग जो बोलते हैं, हम लोग कॉमन देखते हैं, उनके रिलेटिव का बेटा का ये ग्रेड आ गया या वो जॉब लग गया है, वो उधर फॉरेन जा रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक प्रेशर आता है। एक पियर्स का आता है, मतलब मैं जॉब करता हूं तो मेरे कॉलीग्स सक्सेसफुल हो रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, या अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मेरे क्लासमेट्स का अच्छा ग्रेड आ रहा है एक सब्जेक्ट में, मेरा ही सिर्फ खराब आया है, इस तरह का जो होता है। और एक है लास्ट में सेल्फ, तो खुद का एक एक्सपेक्टेशन, खुद का एक प्रेशर रहता है, जैसे मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, मैं तो ये कर पाता था, मेरा लेवल है, मैं बोर्ड में 10 और 12 में इतना परसेंटेज लाया, मेरा यहाँ पे क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, इस तरह का जो खुद का एक एक्सपेक्टेशन के साथ होता है उससे प्रेशर बनता है। एम्बिशन बहुत जरूरी मैं मानता हूँ, मैंडेटरी इन लाइफ, हर बंदे का अपना एक एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन वो एम्बिशन रियलिस्टिक होना चाहिए। मेरा एक बंदा खुद से ज्यादा अच्छा कोई उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं जान पाएगा, तो मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरा जो कैपेसिटी है, उसके बेसिस में मुझे मेरा एम्बिशन सेट करना चाहिए। अगर मेरा एम्बिशन अनरियलिस्टिक होगा, अनरियलिस्टिक की सेंस में, अगर जिस टाइम पे या जिस ड्यूरेशन में, 10 ईयर के अंदर, जिस टाइम फ्रेम के अंदर मैं सोच रहा हूं मैं वो अचीव करना चाहता हूं, लेकिन मेरे
वो स्ट्रेंथ नहीं है, कभी ये स्ट्रेंथ एक्सटर्नल भी होता है, जैसे मेरे पास फिनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, रिसोर्स नहीं है, या मुझे मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है जो मुझे कहां से फॉर्म मिलेगा या मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर करूंगा और कौन से तरफ मुझे जाना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तो दो तीन ऑप्शन आपके सामने है, तो प्रॉपर गाइडेंस जो होता है, इस तरह की चीजें जब आपके पास नहीं, तो आपका एम्बिशन जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। और लास्टली आपका एम्बिशन शुड बी सेट बाय यू ओनली, शुड नॉट बी सेट बाय अदर्स, मतलब कोई और आपके लिए एम्बिशन सेट ना करे। खास करके हम लोग इंडियन फैमिलीज में देखते हैं, मान लीजिए पेरेंट्स का कुछ एम्बिशन हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई खुद डॉक्टर नहीं बन पाया, बैंकर बने या लॉयर बने, तो वो चाहता है उसका बेटा या उसका जो चाइल्ड है वो डॉक्टर बने, उसके लिए फोर्स भी कभी करते हैं, तो वो एक नेगेटिविटी लाता है, हो सकता है उसके अंदर आर्ट या वो कुछ और करना चाहता है जिस, तो एम्बिशन खुद से सेट करो। लास्टली जो जेलस, जेलस ही वेरी नेगेटिव और अनवांटेड है, लेकिन आम जो आम जन है उनके अंदर कम और ज्यादा हर किसी के अंदर जेलस ही रहता है, तो मैं इसका जो कारण देखा हूं वो क्या है, रीजन जो है वो है इम्प्लिसिट और सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। मैं जब किसी को देख के जेलसी अगर मैं फील करता हूं तो उसका मतलब है मैं मान चुका हूं मैं कभी भी वो अचीव नहीं कर पाऊंगा और वही वो अचीव कर सकता है, तो इससे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लो है और मैं अपने आप को इन्फीरियर मानता हूं। तो जेलसी नहीं करना है, हमें किसी दूसरे का सक्सेस से खुश होना है और वहां से सीख लेना है, लेसन सीखना है जो कैसे आगे गया, उसका प्रिपरेशन का जो वे था वो क्या था, तो इससे हम लोग सीख लेके अपना जो प्रिपरेशन है, अपना जो है, हम जो करना चाहते हैं लाइफ में उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ माय फ्यूचर। तो हमें किसी को जेलस नहीं होना किसी के ऊपर, लेकिन हमें दूसरे के सक्सेस से खुश होके उनसे सीख लेना है जो लेके हम लोग आगे जाएंगे। एक पिक्चुरियल डायग्राम है जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा कोई एक टारगेट हम लोगों ने सेट किया, मान लीजिए मुझे बोर्ड एग्जाम में 96% लाना है, तो ये मेरा टारगेट है, और टाइमलाइन के बाद मुझे देखा मैं 92% लाया, तो मैं फेलियर मानूंगा आज के कंपटीशन के ये में अगर ऐसा है। और मान लीजिए इससे मुझे एंजाइटी आया, एंजाइटी बनेगा मेरे अंदर, पीयर प्रेशर पहले हम लोग देख चुके हैं प्रेशर की वजह से या जो भी है खुद का एम्बिशन, और ये शॉर्ट टर्म इमोशन होता है। लेकिन मान लीजिए 12th के एग्जाम में फिर से आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ, तो ये लॉन्गर टाइम तक आपका एंजाइटी जो है वो डिप्रेशन बन सकता है, और इससे आप जो फ्यूचर में आपका करियर बनाना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो उसमें एक हाई चांसेस रहता है जो आपका कॉन्फिडेंस लो होने के वजह से आप फिर से फेलियर ही हो या उसका चांसेस बढ़ जाता है। वेयर एज आप देख सकते हैं आप अगर सक्सेस मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आपका जो एनर्जी और जोश लेके आप शुरू किए थे, आपका टारगेट सेट किए थे, तो वो जोश और एनर्जी जो है वो दुगना हो जाएगा, बूस्ट अप होगा, और आपका चांसेस बढ़ जाएगा लाइफ में, जो आप नेक्स्ट टारगेट आपके लिए सेट करेंगे वो थोड़ा और ज्यादा हार्ड होगा और ज्यादा हाई लेवल होगा, और ड्यू टू दिस बूस्ट अप न्यू एनर्जी न्यू एंथुजियाज्म आपका क्या होगा ना, आप उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। लास्टली जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन से निकलना या सक्सेस की तरफ जाने के लिए, वो है आपका विल पावर, आपका इच्छा शक्ति, आपका बहुत पावरफुल, आपका जो इच्छा शक्ति है बहुत जोरदार होना चाहिए, और आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ डील करना होगा। ऐसा नहीं मैं कभी सो रहा हूं, कभी उठ रहा हूं, कभी मैं किसी घूम के आ गया, कभी कुछ किया, ठीक है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल लाइफ भी ठीक है एकदम पूरा, लेकिन आपको बहुत डिसिप्लिन लाइफ डील करना है अगर आपको डिप्रेशन से निकलना है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है, तो आपका इच्छा शक्ति एंड डिसिप्लिन वे ऑफ लाइफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखे हैं काफी सारे लिटरेचर रिसर्च पर्टिकुलरली आपको मिल जाएगा जहां पे साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं, साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड दैट योगा और मेडिटेशन जो है जिससे किसी के अंदर डिप्रेशन या एंग्जाइटी जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं, वो कम होने लगते हैं। और तीसरा मोटिवेशनल स्पीचेस एंड स्टोरीज, जैसे संदीप महेश्वरी हैं एक बहुत पॉपुलर इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर, तो इनके जैसे और भी बहुत सारे स्पीकर है, उनके स्टोरीज, उनके इस तरह के बुक भी मिलते हैं, तो वो हम लोग पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पे मैं कैटेगरी क्या हूँ, आउटसाइडर अननोन, इनसाइडर अननोन। तो आउटसाइडर अननोन जो है वो मान लीजिए जो पब्लिक फिगर है जैसे संजीव महेश्वरी हो गए, लेकिन इनसाइडर, इनसाइडर का मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा कोई स्टूडेंट आता है और कुछ एक इंसिडेंट बोलता है जो नेगेटिव है उसके लिए, जिसके वजह से वो डिप्रेशन में है या थोड़ा सा नेगेटिव उसका सिचुएशन है, तो अगर मैं उसको समझाता हूँ जो हाँ मेरे बीटेक के टाइम पे या मेरा स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा हुआ था या मेरे दोस्त के लाइफ में ऐसा हुआ था और उसको ओवरकम किया और आज काफी सक्सेसफुल और एक काफी स्टेबल लाइफ जी रहा है, तो उससे क्या है वो सोच सकता है हाँ जो है ये मेरे भैया या सर या जो भी है नॉन पर्सन ये तो मेरे जैसे ही थे या इसके दोस्त मेरे जैसे थे, तो आप एक कनेक्ट फील कर पाते हैं। तो उससे आप हो सकता है अननोन पर्सन का स्टोरी या सुन के वो आप सुनते रहे, वो अच्छा चीज भी है लेकिन उतना ना कनेक्ट कर पाए जितना आप इनसाइडर या नॉन पर्सन का जो पॉजिटिव स्टोरी है उसको सुन के, मोटिवेशनल जो स्टोरी है उसको सुन के आप इंस्पायर फील करें। उसके बाद जो है शेयर इट विथ क्लोज फ्रेंड और योर पेरेंट्स। आपके मन में जो चल रहा है जिस वजह से आप डिप्रेशन में या जो आपका अंदर एंग्जाइटी बन रहा है वो आपका कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड या पेरेंट्स के साथ बात आपको बात करना चाहिए एंड कीप टॉकिंग। आपको बात करने हम लोग देखे हैं बहुत सारे लोग इस तरह के सिचुएशन में डिप्रेशन या नेगेटिव सिचुएशन में अपने आपको आइसोलेट कर लेते हैं दुनिया से, ना मिलते हैं ना ज्यादा बात करते हैं ना पेरेंट्स से मिलते, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको बात करते रहना चाहिए आपके ट्रस्ट और क्लोज फ्रेंड के साथ, मन ना भी करे तब भी। और एक मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस के हिसाब से रिलीज द कंट्रोल ओवर लाइफ फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये क्या है ना, मान लीजिए हो गया ठीक है फेलियर हो गया, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी हूं, लेकिन इसको लेकर इतना सोचना नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट द एंड। तो आपको पास जो आपका सक्सेस है, आपका जो लेसन ऑफ फेलियर्स, मतलब पहले आप जो फेलियर्स आपका हुआ था उसको आप कैसे ओवरकम किए, वो सबको आपको सोचना चाहिए और नया अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको तैयारी करना चाहिए। और खास करके प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत फीडबैक था है, ये बहुत सारी कंपनी में आपका मान लीजिए प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप नेगेटिविटी में जा रहे, डिप्रेशन में जा रहे, सोच रहे हैं बैठेंगे नहीं और अगले आने वाले कंपनीज में, नहीं आपको तो पहले आपका जो स्टूडेंट और स्कूल डेज में या कभी भी आपका स्पोर्ट्स लाइफ में जो भी आपका खेलकूद उस समय आप जैसे एक नेगेटिव या डिप्रेशन सिचुएशन से आप जैसे निकले थे वो सबसे सीख लेते हुए नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको तैयारी करना चाहिए। और लास्टली लाइफ इज बीइंग अ लॉन्ग वन और फ्यू स्मॉल स्टार्ट फेलियर्स डू नॉट डिटरमिन योर डेस्टिनी। तो बहुत सारे फेलियर या ये जो है आपके लाइफ में ऐसे दो तीन फेलियर या मान लीजिए एक सेमिस्टर का ग्रेड कम हो गया या एक सब्जेक्ट का ग्रेड कम हो गया या सेमिस्टर का CGPA कम हो गया या स्टार्टिंग जॉब उतना अच्छा नहीं मिला जितना दोस्त को मिला है, ये आपका डेस्टिनी को तय नहीं करेगा। ये बहुत मैं लाइफ में देखा हूँ ऐसे बहुत लोग जो उतना अच्छा शुरुआत तो नहीं कर पाए थे या पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं थे लेकिन अपने हार्ड वर्क, डिसिप्लिन लाइफ और कंसिस्टेंट परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट। तो आपके अंदर टैलेंट ठीक है, टैलेंट है सही है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मर होना पड़ेगा और तब जाके आप एंड ऑफ द लाइफ आपके जब आप रिटायर कर रहे हैं या आपका एंड में आप सोच सकते हैं लेकिन अभी आपका वो सोचने का टाइम नहीं है जो आप फेलियर है या सक्सेस। अभी आपको सीखना है और आपको मेहनत करना है, डिसिप्लिन लाइफ जीना है और पॉजिटिव सोचना है। तो बेस्ट ऑफ लक, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। ये जो मैं वीडियो बनाया हूं मेरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और मैं अपने आसपास मेरे स्टूडेंट्स में और मेरे जो आसपास के मेरे कॉलेज और पीयर ग्रुप से लोगों के बीच में देखता हूँ, ये डिप्रेशन है काफी कॉमन, कभी कभी मैं भी इसके मेरे अंदर भी ये इस तरह के फीलिंग्स आना शुरू होता है। तो उसका जो सॉल्यूशन और मैं जिस तरह से इसको ओवरकम करता हूँ वही सब चीजें को लेकर मैं ये वीडियो बनाया। आई होप जे एटलीस्ट कुछ लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा अपने लाइफ में या उनके दोस्त या क्लोज पर्सन को डिप्रेशन से निकालने के लिए ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू।